कैसे हैं दोस्तों। वाह, सर्दी बहुत ज़्यादा है, धुंध भी है, तकरीबन 10 बजने वाले हैं और धुंध जो है ना वो जाने का नाम नहीं ले रही। ये देखें, मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ। ये देखें, सुबह तो काफ़ी ज़्यादा धुंध थी और फिर भी काम है। सुबह तो आप कह लें कि हद निगाह सिफर ही हुई थी। तो आज चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो मैं और मुन्ना ना अपने बर्ड्स के लिए दूसरे घर से ये देखे गर्म पानी लेके आए हैं, ताकि इनको आज हम गर्म पानी डालें। ठंडा पानी डालेंगे, आपको पता है बीमार होने का होता है। और ये जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें कि आज हम इनके लिए रोटियां लेके आए हैं। रोटियां पानी में भिगोई हुई हैं, थोड़ी सी नरम हो जाए तो फिर हम इनको डालेंगे। आपको मैं दिखाता हूँ, कैटी को भी अभी तक ना अंदर ही बंद किया हुआ है। पहले कैटी ने बहुत तंग करती थी, इसके अंदर ना मैंने कैटी बंद की है कूलर पंखे के अंदर, क्योंकि आज सर्दी काफ़ी ज़्यादा है तो मैंने इसको बाहर ही नहीं निकाला। ये खुद भी नहीं बाहर आना चाहती, नहीं तो पहले ना और ये कैटी का खाना भी पड़ा है, कलर डाला था, इसने खाई नहीं है, बोटियाँ ऐसी छोड़ दी हैं। इसको इतना ना डाला करो, इतना नहीं खाती ये, छोटी सी अभी है वो बेचारी, उसका पहला हजम नहीं होता, आप लोग वो डाल देते हो। हैं कैटी, रात कैसी गुजरी? पहले ना ये जैसी सुबह होती थी ना, इसका पता होता था कि कोई ना कोई कमरे में है, तो ये पंजे मारना शुरू कर देती थी कूलर पंखे को कि मुझे बाहर निकालो। आज इसने भी पंजे नहीं मारे, इसको भी पता है कि बाहर जो है ना मौसम ज़्यादा ज़्यादा सर्द है, तो मेरा कूलर पंखे के अंदर रहना ही ज़्यादा सेफ है। ये दोस्तों, आपको याद है बच्चा जो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हुआ हुआ था, जिसके परों के ऊपर किसी ने काफ़ी ज़्यादा शदीद हमला किया था? ये देखें, अभी भी वो ज़ख्म के निशान हैं। ये ना बेचारा काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था, इसकी गर्दन के ऊपर भी ज़ख्म थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अपना अच्छी बात ये है अभी ये ना बेचारा फौत नहीं हुआ, बच गया था। हमने इसको किसी और कुत्ते में डाला था, तो जो चिड़िया है ना वो इसको वहाँ पर जाके ना दाना डाल खिलाता रहता है, इसको चौगा करता रहता है। तो अभी तक माशाल्लाह ये बचा हुआ था, मंदिर आए ना इधर, इनको देखने के लिए भी कोई मसला तो नहीं है। तो ये कुत्ते से बाहर आया हुआ था, अब कुत्ते से बाहर पता नहीं क्यों क्यों आया, ये तो नहीं पता, लेकिन हम ना इसको दोबारा कुत्ते के अंदर रख देंगे। ये मुन्ना ना इसके पाँव के ऊपर ये देखे काफ़ी ज़्यादा मट्टी मुट्टी लगी हुई है, कुत्ते में रहता था ना तो कुत्ते में ही बड़ा हुआ है, तो ये पाँव को लग जाती है। माँ जो होती है ना वो ये उतार देती जब इनको बाहर निकालती, लेकिन क्योंकि ये वक्त से पहले ही बेचारा बाहर आ गया था ज़ख्मी होने की वजह से, अब और कुत्ते में होता है तो इसकी जो देखभाल है ना वो हमें ही करनी पड़ती है। आज सुबह की ना लाइट नहीं है, रात 2 बजे की गई हुई है, 10 बजने वाले हैं, लेकिन लाइट जो है ना वो अभी तक नहीं आई। और हमने आगे कपड़ा किया हुआ था तो इधर अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, इस वजह से सारे चिड़चिड़े हो गए हैं और चूँ चाह कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि लाइट आ नहीं रही, थोड़ा सा बच गया, वो बाद में डाल लेंगे। आपने पीना है पानी कैटी? ये देखें दोस्तों, मैंने पच में गर्म पानी डाल दिया है। बतख जो है ना वो अपने पंख फड़फड़ा रही है। पानी पी लो आप लोग, हमने आप लोगों के लिए गर्म पानी रखा हुआ, फिर दाना डालेंगे। आज तो हमने इनको रोटियां खिलानी हैं, लेकिन पहले ये गर्म पानी पी लें, फिर इनको रोटियां वगैरह देंगे। वो देखें, हमारी जो बीमार मुर्गी उसने तो पानी पीना शुरू कर दिया, उसको पता चल गया पानी का, इनको नहीं अभी तक पता चला पानी का। सारे मुर्गे के पीछे पीछे, मुर्गे को ना सरदार मानते हैं। ये देखें, जिधर मुर्गा जाएगा सारे उधर ही जाएंगे। दाने की तलाश में एक मुर्गी यहाँ पे आ गई है केज के ऊपर, लेकिन केज के ऊपर भी कोई दाना नहीं है। मैंने मुन्ने को कहा है या आपने इनके लिए रोटियाँ ले आओ, ये काफ़ी ज़्यादा भूखे हैं। वो देखिए, एक ने तो आवाज़ें भी निकालना शुरू करती हैं। ये देखें दोस्तों, इनकी रोटियाँ आ गई, मुन्ना इनके लिए रोटियाँ लेके आ गया। ये देखें कितनी सारी हैं, नरम हुई हैं या नहीं? तो मुन्ने ने ऐसी डाल दी, उन्होंने ऐसी खाना शुरू कर दिया। वो एक दूसरे से छीन के भाग रहे हैं, छोटे पीसेस करके डालने थे, ऐसे बड़े पीसेस रख दिए। देखा दोस्तों कितने नहीं, आप कह लें कि बेचैनी से रोटी खा रहे हैं बेचारे सारे।
ओए आप नीचे आ जाओ, आपको पता नहीं नीचे हमने रोटियां डाली हुई हैं, चलो नीचे। देखिए इसने एक ही बार में अपना सारा हिस्सा उठा लिया, कहती मैं एक ही बार खाऊंगी। सबसे ज़्यादा शौक से ना जो रोटी खाती हैं वो हमारी डॉग्स हैं, ये एक ही बार में बड़ा सारा नवाला खा जाती हैं। रोटी सारे खा रहे हैं, इसने चाहा से मैं इनके लिए गर्म पानी लेके आया आज, उसको कोई भी नहीं पी रहा, या तो इनको प्यास नहीं लगी हुई, मौसम काफ़ी ठंडा, प्यास तो लगेगी ही नहीं, फिर भी मैंने कहा चलें गर्म पानी लेके जाते हैं, वो वैसे ही पड़ा है। ये एक बार दोस्तों अपना खाना खा लें, फिर ना हम पिजन्स को बाहर निकालेंगे, पिजन्स जो है ना वो पानी पियेंगे बेचारे, देखना वो मेरी ना मेहनत की लाज रखेंगे, वो समझदार हैं। अब ना अंदर जाके वो मैं आपको एक पिजन का बच्चा दिखाता हूँ, जो कुछ दिन पहले ही हमारे चिड़ियाघर में आया है, काफ़ी दिन हो गए मैंने उसे देखा नहीं है। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह ये कितना बड़ा हो गया और इसकी आइज़ भी ओपन हो गई हैं। और आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ, ये देखें माशाल्लाह एक और बच्चा आ गया दोस्त, ये तो मेरे लिए सरप्राइज है, मुझे पता ही नहीं था भी दूसरी ने भी अपने बच्चे निकाल दिए हैं। यहाँ पे ना दो अंडे थे, एक ख़राब हो गया था वो हमने उठा लिया, एक में से बच्चा निकल आया था। और इन अंडों के बारे में ना मुबीन मुझे कह रहा था दोनों ही मुझे ख़राब लगते हैं, तो मैंने कहा नहीं तुम पड़े रहने दो, हो सकता है बच्चे निकल आए, एक से तो बच्चा निकल आया है। और माशाल्लाह देखें कितना नन्ना मुन्ना सा बच्चा है, ये देखें लगता है भी एक दो दिन पहले ही निकला है, है ना, आज ही निकला है। मुन्ना कह रहा है कि वो कल देख के गया था, ये आज ही निकला है, तो ये वन डे बोर्न बेबी है। चलो शुक्र है हमारे पिजन ने भी बच्चे निकालना शुरू कर दिए हैं, मुझे बड़ा ना बेसब्री से इनका इंतज़ार था, मैंने कभी ये नोट ही नहीं की, देखी नहीं थी, अब क्योंकि मैंने रखे हुए हैं, अब फिर वो दिल में होता रहना है कि यार इनके अंडों से बच्चे निकल आए। पहले अंडों का इंतज़ार था, अंडे नहीं दे रहे थे, फिर बड़ी मुश्किल से अंडे दिए, अब मुझे इनके बच्चों का इंतज़ार है, अब वो भी मेरा इंतज़ार ये ख़त्म कर रहे हैं ऐसा ऐसा। मैंने ना अपने परिंदों को इतनी सारी रोटी डाली है, तो उसके बावजूद भी इनका पेट नहीं भरा, तो मैंने एक दोस्त के घर गया, उससे ना ये मैं पत्ते लेके आया हूँ पालक के, अब इनको ना वो डालेंगे। ये देखे पहले मेरे पीछे पीछे ना ये मुर्गा बड़ा ख़तरनाक है, आप देख रहे हैं इस मुर्गे को, तो अब ना मैं ये इनको रख देता हूँ ताकि ये खा के इनका पेट भर जाए, फिर हम इनको अंदर बंद करते हैं। और एक और न्यूज़ है, लाइट आ गई है, ये आप इनकी स्पीडें चेक कर रहे हैं, ये स्पीड इनकी ऐसे नहीं लगी, मैंने ना घास के ऊपर थोड़ा सा बाजरा गिरा दिया, तो ये देखे बाजरा खा रहे हैं, घास नहीं खा रहे, ये पता नहीं बाजरे में ऐसी क्या चीज़ है, बाजरे पे तो ना इन सब की जान जाती है, सब की, कोई एक आधा भी नहीं, सब की। एक तो ना ये क्या डक्स नहीं खाती, मुर्गा नहीं खाता बाजरा, ये हमारी चकोर है वो नहीं खाती, जो नई सी मुर्गियाँ हमने दी वो नहीं खाती, नहीं बाजरा सब ने खाना है। और उसके पीछे इंतहा की लड़ाई, पिजन्स को ना मुन्ने ने अंदर बाजरा डाल दिया, अब ना इनको हम अंदर बंद कर देते हैं, चलो अभी अंदर जाओ, आप लोगों का बाजरा अंदर है, ये तो अंदर जाने के मूड में है ही नहीं, उड़ के वहाँ बैठ गई, चलो अंदर आप भी अंदर चलो, अंदर जाके बाजरा खाओ, तो लगा दो ये दरवाज़ा, नहीं तो ये डक्स जो है ना वो अंदर चली जाती हैं। दोबारा मैं चिड़िया के केज में आया हूँ, और मैं ये जो बची हुई पालक है ना ये मुर्गियों ने छोड़ दी है, खाई नहीं है, तो ये इनको यहाँ पे रखने आया हूँ, पालक गर्म होती है तो ये खाएंगे, तो ये भी सर्दी से महफूज रहेंगे, ये कल भी मैंने इनको इधर पालक हैंग की थी, ये देखें बीच बीच में खाई हुई है। तो दोस्तों आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आप सब लोग क्या लेने आए हो, आप लोगों ने तो खा लिया अपना खाना, अब देखते हैं पालक खाने के लिए आती हैं या नहीं आती, या इनका पेट भरा हुआ है।